हाय फ्रेंड्स, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो है वर्लपूल का 12 किलोग्राम का ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। और अभी आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है, बट वीडियो का जो पर्पस है आपको डेमो दिखाना और अनबॉक्सिंग करना। तो इस वीडियो के बाद आप देखेंगे एक अनबॉक्सिंग होते हुए, उसके बाद आप डेमो देखेंगे जो वर्लपूल के इंजीनियर के द्वारा करी गई है। और थोड़ी बहुत बातें आपको बताना चाहूंगा जो आपकी नॉलेज के लिए बेटर रहेगा। फिलहाल इसका जो MRP है वो है 45,300, September 2020 की बात कर रहा हूँ। और इसमें जैसे आप कवर देख रहे हैं, तो जब भी आप लेते हैं वॉशिंग मशीन एक तो कवर नहीं आता। इसकी जो प्राइसिंग है वर्लपूल की वो है 600 रुपीज, जो आपको डिलीवर करने आता है आप उनसे ले सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो ये मैं बताना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि फ्रेंड, जैसे कि आप व्हील देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये भी नहीं आती, तो ये भी आपको चाहें तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करने आते हैं। ये पड़ती है 1400 रुपीज की। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप वॉश कर रहे होते हैं, कपड़े वॉश कर रहे होते हैं, तो ये लॉक होता है, जैसे अभी होते हैं ना ऊपर की तरफ, आप इसको नीचे जरूर कर दीजिएगा ताकि ये हिले ना, ठीक है। तो अगर आप इसको लॉक नहीं करते तो प्रॉब्लम आ सकती है वॉशिंग मशीन को हिलने में, क्योंकि हिलती है वॉशिंग मशीन। और दूसरी बात बताना चाहूँगा फ्रेंड कि इसमें आपको दो चीज़ें बताई, जब सेल्स जो टीम का जो बंदा होता है, एक तो आपको कवर नहीं बताता, दूसरा व्हील नहीं बताता। ये एक्सेसरीज होती है और ये डिपेंड करता है कि आपको लेनी है या नहीं, बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि इस टाइप का जो कवर है आप जरूर बाय कर लीजिएगा सेफ्टी के लिए। और इस टाइप के जो व्हील है वो थोड़ा ईजी रहता है मूव करने के लिए। तीसरी बात और चीज़ बताना चाहूँगा, ये तो चलो एक्सेसरी का पार्ट है, अब ये देखिए मैं खुद भी इसको ईजिली मूव कर पा रहा हूँ। तीसरा अगर आप देखेंगे ये जो पार्ट है इसके अंदर, ये 2000 रुपये का आता है, तो ये भी नहीं बताया था। अगर आपका जो वाटर है, जैसे पंजाब साइड हो गया तो वहाँ पे क्या है, जमीन का पानी यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, जो फिल्टर करता है वाटर को और एक तरह से मतलब प्योरीफाई करता होगा, जिसकी वजह से आपके जो कपड़े हैं वो अच्छी तरह धुलते हैं। और इस प्रकार का ये देखिए प्लग, तो आप अपने हिसाब से देखिए, एक तो जगह काफ़ी मैसिव है, काफ़ी बड़ी जगह लेता है वॉशिंग मशीन। और जो भी अगर आपके फैमिली मेंबर ज़्यादा हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 8 मान के चलिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 12 किलो की वॉशिंग मशीन लें। उसका रीज़न क्या है, एक तो उसमें जो कपड़े हैं काफ़ी ईजिली क्लीन हो जाते हैं, और आप खुद देखिए कितनी मैसिव है। अगर मैं अंदर की बात करूं तो आप इसमें काफ़ी सारी, इसके अंदर जो आपके बेडशीट्स होगी, कपड़े हो गए, वो धो सकते हैं। इनकेस अगर आपको वॉशिंग मशीन नहीं चलानी आती, तो इसके अंदर 6 सेंट टंबल केयर का एक फीचर है। आप सिंपली इसको पावर ऑन करिएगा, उसके बाद सिंपली अपने कपड़े रखिए और अपने ही हिसाब से ये इसको सेंस करने के बाद इसके अंदर जो वाटर का जो है वो लेवल फील होता है और कपड़े धोता है, रिंस करता है। और काफ़ी एक बेनिफिशियल चीज़ है आपके फैमिली मेंबर्स के लिए। एक तो जो मेन बात क्या है कि जो टाइमिंग है वो काफ़ी बचती है, तो आप चाहें तो अपने मॉम के लिए ले सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए ले सकते हैं, अपनी मेड के लिए ले सकते हैं। एट दी एंड जो भी है, टाइमिंग बचता है, आप सिंपली कपड़े डालो और टाइम आप अपना बचा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, इसका जो भी वाटर का लेवल है, अब जैसे आप देख रहे हो मैं स्पेशल इसकी इंस्टॉलेशन कराई है मैंने, और ये देखिए पाइप काफ़ी बड़ी है, तो अगर आपका जो पानी है फ्लो स्लो आएगा तो कपड़े धोने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलो अभी इसके बाद एक काम करते हैं, इसके बाद आपको हम इस वीडियो के जैसे आप देख रहे हैं, तो इसके बाद आपको इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग के बाद आप देखेंगे इसकी डेमो, जो इंजीनियर आए होंगे वो आपको डेमो दिखा रहे होंगे। अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, और भी ऑप्शन दे दूंगा, वो भी आप जाके परचेज कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, आप जब भी परचेज करो, चाहे ऑनलाइन कर लो या ऑफलाइन, प्रोडक्ट का जो सीरियल नंबर है ना अपने बिल पे जरूर लिखवा लेना, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास जो सीरियल नंबर तो बाय डिफॉल्ट तो इसके पीछे लिखे ही भी होते हैं, और जो भी वर्लपूल का इंजीनियर आएगा या जैसे भी, तो वो नोट करके जाता ही है, तो उसमें वारंटी भी रहती है, तो कोई दिक्कत की बात वैसे है भी नहीं। और बाकी डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दे ही दिए होंगे, और हो सके तो ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, और अपना कमेंट जरूर बताना जो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कैसा लगा, और अपना जो फीडबैक है वो अपना कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और अगर वाटर का लेवल काफ़ी स्लो होगा तो जो पानी है जो वॉश करने में काफ़ी इसकी टाइमिंग लगेगी। तो बस शॉर्ट में बोलना चाहूँगा, आप कवर जरूर बाय कर लीजिएगा, ये वाले व्हील जरूर बाय करेगा, और ले भी लोगे तो इसको लॉक जरूर करना। और जो फिल्टर है ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया टू एरिया, आप जैसे दिल्ली में हैं, ठीक है, तो दिल्ली में आमतौर पर पानी की सप्लाई की दिक्कत नहीं आती। अगर आप कहीं भी ग्राउंड लेवल का पानी आ रहा है, जमीन का पानी आ रहा है, साफ सुथरा पानी नहीं है, तो जो कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं जैसे, उसको प्योरीफाई करता है और आपके जो कपड़े हैं वो अच्छी तरह धुलते हैं। तो जो कल को एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा हो जाएगा वॉशिंग मशीन का, तो उसका भी मैं आपको यूसेज करके दिखाऊंगा। बाकी जो डेमो के अंदर वो आपको पूरा दिखा रहे हैं, बट फिर भी अगर आपको लेना हो ये वॉशिंग मशीन या दूसरी वॉशिंग मशीन, उसके लिंक दे दिए हैं। स्पेसिफिकेशन जरूर पढ़ लेना,
कहीं भी लो उसकी वारंटी हमेशा एक बार कंफर्म जरूर कर लेना, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अभी एक काम करते हैं फ्रेंड, मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग कराता हूँ, फिर उसके बाद फिर आप इसका डेमो देखेंगे। आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, थैंक्स। चलिए अभी आप देखिएगा, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसकी अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, जो वर्लपूल की जो 12 किलोग्राम की जो वॉशिंग मशीन आती है। और कभी भी आप वॉशिंग मशीन लेके आते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना, जो अनबॉक्सिंग है जो स्पेसिफिक जो इंजीनियर आते हैं जो टीम से आते हैं वर्लपूल से हो गए उन्हीं से ही कराइएगा। ये जोगिंदर जी हैं और जो इसको भी अनबॉक्स करेंगे, और बाकी हमारे व्यूअर्स को हाय कह दीजिएगा आप। बाकी देखिएगा अनबॉक्सिंग कर रहे हैं फिलहाल। अनबॉक्सिंग इंजीनियर के थ्रू इसलिए करवानी चाहिए जो भी आते हैं, उसका रीजन क्या, अगर कुछ भी डेंट वगैरह निकलता है कुछ भी तो एटलीस्ट आप वर्लपूल में बात कर सकते हो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप कभी भी खुद से नहीं इसको अनबॉक्स करिएगा। अच्छी तरह सेफली पैक होके ही आता है। क्लीन पीस है फिलहाल तो। और कोशिश करें कभी भी आप मशीन लेते हैं ऑटोमेटिक वाली, फुली ऑटोमेटिक, तो हमेशा टॉप लोड ही रिकमेंड करिए। उसका रीजन क्या, अगर लाइट चली जाती है तो फ्रंट साइड वाला होता है तो लॉक ही हो जाता है। बाकी एसेसरीज में दिखा देता हूँ, इसमें एसेसरीज क्या क्या मिलती हैं। ये इनलेट पाइप, एक स्पून है, और ये ड्रेन पाइप है। ओके, और एक मिला 200 ग्राम का साथ में, एक मैनुअल एरियल का और मैनुअल भी। इसको भी हम खोल के देख लेते हैं कैसे कैसे आता है। कोई नहीं, आप देख लीजिए। ये देखिए इस टाइप के दो पार्ट मिलते हैं साथ में, ये आपको मिलेगा एरियल का और यूजर मैनुअल, ये सब मिलता है। और आप बताइए, मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ कैसा लगा, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये वॉशिंग मशीन परचेज करनी हो तो मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा। ये देखिए, और एक बात का ध्यान रखिएगा। ओके, अभी इसको यहां से हटा रहे हैं वाला पार्ट, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली। और वर्लपूल आपको पता ही है कि ये जाना पहचाना ब्रांड है, और मेन जो अगर हम इस कंपनी का ओरिजिन की बात करें वो है यूएस, और फिलहाल ये इंडिया में बना है, मेड इन इंडिया है, सबसे अच्छी बात यही है। और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आपको पता ही है, वर्लपूल तो एक अच्छा ब्रांड है। फिलहाल जो ये प्रोडक्ट आता है 2 साल की वारंटी के साथ आता है, हाँ 10 ईयर्स की मोटर पे है ना, 10 ईयर्स की मोटर पे इसकी मिलती है। तो अपना जो इनवॉइस होता है जिस डीलर से भी आपने लिया है उस पर तो सीरियल नंबर जरूर लिखवाना बिल पे, और अपने पास इनवॉइस जरूर संभाल के रखिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप परचेज करते हैं ना तो मोस्ट प्रोबेबली डीलर्स आपको बताते नहीं है। इसमें क्या है कि व्हील्स जो होते हैं ना नीचे की तरफ जो लगते हैं वो आपको परचेस करने चाहिए, ट्रॉली सिस्टम। ज्यादा कॉस्टली नहीं है, सिर्फ 1400 के आसपास है। ये डस्ट है, डस्ट चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ट्रॉली आती है इस प्रकार की, जो आपको एडिशनल परचेस करनी पड़ती है, जो आपके शोरूम वाले हैं वो आपको नहीं बताते, आमतौर पर कम ही बताते हैं, ये डिपेंड करता है शोरूम टू शोरूम। इस प्रकार का आता है 1400 का, और ये एक कवर जरूर ले लीजिएगा सेफ्टी के लिए, 600 के आसपास एक कवर आता है। तो जो इंस्टॉलेशन करने आ रहे हैं आप उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दे विल डेफिनेटली हेल्प। और फिलहाल वर्लपूल की सर्विस दिल्ली के मामले में मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। उसका रीज़न क्या है, जिस दिन हमने वॉशिंग मशीन हमारे घर आई तो उसी के आसपास इसकी डैमो के लिए कॉल आए, ये इंजीनियर हैं और बाकी ये डैमो भी देते हैं। तो फिलहाल अभी ये अपनी तरफ से अनबॉक्स कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे सीखेंगे, फिर कल को मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कैसे इसको यूज करना है एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ये 12 किलोग्राम की है, और इसका अप्रोक्सीमेटली जो प्राइस है
वो है 45,000 के आसपास। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 40,000 के आसपास भी मिलती है तो आप ले सकते हो, क्योंकि जो उसका फीडबैक मैंने पढ़ा है काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पाइप वगैरह आप पहले से तैयार रखिएगा, जिसकी स्पेशल टूटी होती है, जो आपका हार्डवेयर होगा आसपास की दुकान, आप उनसे ये लगवा सकते हैं। और इस प्रकार की अगर हम वायरिंग की बात करें, इस प्रकार की ये प्लग होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि वॉशिंग मशीन के बारे में। और थोड़ा इसका पैनल दिखा देता हूँ मैं आपको। 6 सेंस टंबल केयर है, पावर प्रोग्राम स्टार्ट, हाँ स्पेस देखिए काफ़ी मैसिव है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कभी भी लो तो उसके तो बड़ी से बड़ी लीजिए। उसका रीज़न क्या, फैमिली का साइज तो बढ़ता ही है, बट और कल को अगर आपको क्लॉथ काफ़ी सारे धोने हैं तो आप इकट्ठे डाल सकते हैं, जो चादर वगैरह होगी 12 किलोग्राम के हिसाब से। ये बाकी इस टाइप का है, बाकी इनसे मैं पूछ लूंगा कैसे इसको यूज़ करना है। और ये देखिए आपको कैसे लगी फ्रेंड, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट दीजिएगा। ओवरऑल अभी फिटिंग चल रही है तो मैंने अनबॉक्स करके दिखाना था, उससे आपको आइडिया लग ही गया कि लुक वाइज काफ़ी स्टनिंग है। और इसका लेने का एक रीज़न क्या है कि फ्रेंड, जो इसका अगर आप बात करेंगे ना, जो टच है कईयों में ना, टच यहाँ पे होता है। अब डिपेंड करता है, मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरा मानना है कि अगर हम कल को कपड़े डालते हैं या जैसे भी निकालते हैं तो वो टच यूज़ ज़्यादा हो सकता है, तो उसे ख़राब होने के चांसेस है मेरे हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। बाकी ओवरऑल यहाँ पे है, आपने एक बार इसको स्टार्ट करना है और सिंपल इसके अंदर कपड़े आपने डालने हैं। तो बाकी वर्लपूल की ये देखिए प्रॉपर ब्रांडिंग है, 360 डिग्री। और बाकी ये रहा फुली ऑटोमेटिक का, उसका बेनिफिट क्या है, आपको सिंपली कपड़े डालने हैं, ठीक है। डालने के बाद आप इस पर डिटर्जेंट डालिएगा जो भी इनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से, और ये रिंस भी करता है, रिंस करने के बाद सुखाता भी है, तो आपकी टेंशन ही नहीं है। और ये देखिए ये पार्ट जो है वर्लपूल की तरफ से जो साथ में मिलता है। बाकी जोगिंदर जी कुछ कहना चाहेंगे प्रोडक्ट के बारे में? सर प्रोडक्ट बेस्ट है, यूजिंग में पता लगेगा, वर्लपूल वैसे भी टॉप मशीन है, क्वालिटी वाइज तो अच्छा ही है। बाकी थोड़ा बहुत हल्का डस्ट वाटर लीकेज में पहले चेक कर लीजिए। हां वाटर लीकेज में देख रहा हूं, ठीक है वाटर लीकेज में चेक कर लीजिए। ओके प्रेशर भी सही आ रहा है फिलहाल तो? हां जी प्रेशर ठीक है आपका, क्योंकि आपने पाइपलाइन अलग से ली है। हां स्पेशल लगवाई है इसके लिए, तो प्रेशर ठीक है। देन ये आपका इनलेट है, ये यहां लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा, एंटी क्लॉक निकलेगा, ठीक है। जितना टाइट होगा प्लीज उतना ही करना, एक्स्ट्रा पावर मत लगाना, ठीक है। ये अडैप्टर है जो परमानेंट लगा रहेगा टैब के साथ, इन फ्यूचर आपको टैब यूज करनी है आप कर सकते हो, ठीक है। मशीन यूज करनी है तो दो अंदर एक सेट लॉक्स लगे हुए हैं, ओके, क्लॉकवाइज लॉक हो जाएगा, एंटी क्लॉक निकलेगा, बहुत इजी है, ठीक है। जब तक मशीन चलेगी आपकी, टैप आपकी परमानेंट ऑन रहेगी, ठीक है, ठीक है। जब भी मशीन को पानी से होगा बैक से लेगी, बैक से ऑन करेगी, ऑफ कर देगी, ओके, ठीक है, बट टैप आपकी ऑन रहेगी और ये आउटलेट है आपका हमेशा नीचे रहेगा, ओके, ठीक है फ्रेंड। अब मैं पहले आपको, चलिए फ्रेंड अभी हम इसका डेमो स्टार्ट करते हैं, जोगिंदर जी हमें बताएंगे इसके वॉशिंग मशीन के बारे में 12 किलोग्राम की तरफ जो है। मैं स्टार्ट करूं सर? जी ओके। 12 केजी की मशीन है, कंपनी कहती है 35 फ्लोस एक बारी में, बट हम कहते हैं 35 या 25 डालो, ओवरलोड लेगी, वॉशिंग क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि पानी में कपड़ा खुल के चलेगा। सबसे पहले आपने कपड़े डालने अंदर, नीचे बड़े, बीच में शॉर्ट्स, ऊपर बड़े, अंडर गारमेंट, सैंकी, बच्चों के कपड़े सब बीच में होंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नीचे बड़े, बीच में शॉर्ट्स, ऊपर बड़े, कपड़े हमेशा पहले डालते हैं। कपड़े डालने के बाद मशीन दो तरीके चलती है, 6 सेंस और मैनुअल। 6 सेंस होता है कि आपको नॉलेज नहीं है कितना कपड़ा है, मशीन कितना पानी लेगी, उसको मशीन खुद सेंस करती है और उसके अकॉर्डिंग वाटर लेवल सेट करती है। एक होता है मैनुअल कि आपको नॉलेज है इतना कपड़ा है, उसके हिसाब से पानी मशीन खुद लेती है, ठीक है जी। मैं पहले आपको 6 सेंस दूंगा फिर मैनुअल। 6 सेंस के लिए पहले कपड़े लेंगे, कपड़े डालने के बाद आपने यहाँ से पावर ऑन किया, देन स्टार्ट, थोड़ा वेट किया, मशीन रोटेशन लेगी, रोटेशन लेके स्टॉप होएगी, स्टॉप होने के बाद आपसे डिटर्जेंट शो करेगी जितना चाहिए उसे, 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच, वो डिस्प्ले शो कर देगी। इसके बाद ब्लू कलर का स्पून मिला था उसके अकॉर्डिंग आपने डिस्प्ले करना है यहाँ पे, ओके, स्पून एड 1 कप शो कर रहा, पर देखिए जी यहाँ पे कहाँ लिखा रहा है 1 कप, अच्छा 1 लिखा हुआ है, 1 कप लिखा हुआ है ना, एक बॉक्स ही सर। अब इसमें दो साइड्स है, डिटर्जेंट और सॉफ्टनर। जो डिटर्जेंट साइड है उसमें आपने 1 स्पून सिरप डालना है,
ये देखिए फ्रेंड, इस टाइप का स्पून आता है जैसे कि आप देख रहे हो। और यहाँ पे क्या लिक्विड डाल देंगे सर? उसमें सॉफ्टनर लेगा, मैं अभी बता दूँ उसके। ओके ठीक है ठीक है। वो आपने यहाँ डालना, जहाँ डिटेल लिखा है डालने का, बंद करके डोर आपने क्लोज कर देना। उसके जो भी टाइमिंग डिस्प्ले पे आएगी वो आपकी वॉश, रिंस और ड्रायर की आएगी। ओके, दो बार मशीन पानी लेगी वो टाइम इंक्लूड नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपका वर्क है 45 मिनट्स में हो जाएगा, 15-20 मिनट और एक्स्ट्रा लेता है वाटर। जितनी तेज आपका पानी का फ्लो आएगा उतनी जल्दी मशीन भर के चल पड़ेगी, जितना स्लो फ्लो आएगा उतना ज्यादा टाइम लेगी मशीन। ठीक है जी, ये था 6S मोड। ओके ठीक है, कि आपको नॉलेज नहीं है वो खुद ही ऑटोमेटिक करेगा। हाँ जी, एक होता है मैनुअल मोड कि आपको नॉलेज है। ओके, सेम वही प्रोसेसर है, पहले कपड़े डालेंगे। ओके, कपड़े डालने के बाद पावर ऑन के बाद ये वाटर लेवल का बटन लिखा है, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो पे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 लेवल मैक्सिमम पानी में। ओके, अब इसे आप क्लोथ के रूप जज कैसे करेंगे? 5 कपड़े के लिए 2 नंबर, 10 के लिए 4 नंबर, 15 के लिए 6 नंबर, 20 के लिए 8 नंबर, मैक्स 25 कपड़े के लिए 10 नंबर उसका स्टार्ट करोगे। पहले मशीन रोटेशन ले रही थी, अब सीधा आपसे डिटेल मांग लिया क्योंकि वाटर लेवल आपने सेलेक्ट कर लिया है। Okay. बाकी प्रोसेसर वही है, सेम रिटर्न आया, आपने अंदर डाल दिया बॉक्स में, जो भी टाइमिंग आएगी वॉश, रिंस, ड्रायर की आएगी, दो बार पानी लेगी वो टाइम इंक्लूड नहीं है। मैं समझ गया, ये आपका बेसिक था। Okay. सारी मशीन ऐसी यूज होगी। ठीक है, अब हम डेमो स्टार्ट करते हैं। Okay. जब आप पावर ऑन करोगे तो यहाँ पे P1 लिखा हुआ आएगा, प्रोग्राम 1। ठीक है, ये कंपलसरी बाय डिफॉल्ट है, आएगा ही आएगा। ओके, P1 होता है डेली वॉश। ओके, यहाँ मेंशन किया हुआ सब कुछ। ओके, सूट सलवार, पैंट शर्ट या एक आधा मिक्स कपड़ा है तो। ओके, प्रोग्राम सारे इससे चेंज होंगे। ओके, इसे प्रेस करेंगे प्रोग्राम बटन से तो यहाँ P2 आ जाएगा। ओके, P2 होता है हैवी। ओके, जींस, बेडशीट, टॉवल्स, पर्दे वगैरह। P1 और P2 के लिए अगर आप मैन्युअली हीटर ऐड करना चाहते हो। ओके, पानी गर्म के लिए तो आप यहाँ से ऐड करते हो अल्ट्रा क्लीन से। एक बार प्रेस करोगे वार्म ऐड होगा, दोबारा प्रेस करोगे हॉट ऐड होगा, नहीं चाहिए आप हटा दीजिएगा। ओके, P1 और P2 के लिए है। ठीक है, बाकी जिस ऑप्शन में हीटर लगना होगा ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके ठीक है जी। जैसे फिर प्री आता P3 डेलिकेट, हल्के कपड़े, पार्टी वेयर्स कपड़े। ओके, फिर P4 वाइट्स कपड़े, इसमें ऑटोमेटिक हीटर ऐड हो जाएगा 4 में। ओके, P5 स्टेन वॉश, दाग धब्बे वाले कपड़े। ओके, अब ऑयली दाग धब्बे वाले कपड़े से ज्यादा गंदे होते हैं। जी ठीक है, तो सबसे ज्यादा पानी गर्म इसी में होगा। Okay. जो एलर्जन फ्री है ऑनली फॉर P5 में आएगा और किसी में नहीं आएगा। ठीक है, क्या था P6 बेबी केयर। ओके, छोटे बच्चों के कपड़े अपने। जी, इसमें भी हीटर ऐड होके आएगा। ओके, P7 वूलन्स, ऊनी कपड़े। ओके, इसमें वार्म ऐड होके आएगा, अगर आपको नहीं चाहिए हटा सकते हो, नहीं तो लगा रहने दीजिएगा। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, नहीं तो लगा रहने। ठीक है, P8 हॉट वॉश, चाय, कॉफी, दाग। ओके, उनकी होता है। ठीक है, P9 ओनली साड़ी। ठीक है, ये 9 ऑप्शन आपके वॉशिंग के थे। सपोज आपने हाथ से कपड़ा वॉश कर लिया। ओके, आप चाहते हो मशीन रिंस और ड्राई करके दे। ओके, कपड़ा वॉश करके इसमें खोल के डाल दीजिएगा, प्रोग्राम 10 देन स्टार्ट, इसमें कपड़ा रिंस और ड्राई, कपड़ा खंगलेगा और सूखेगा। ओके, अगर आपने हाथ से कपड़ा वॉश कर लिया है और रिंस भी कर लिया है, आप चाहते हो ना ड्राई, कपड़ा हाथ से वॉश और रिंस करके इसमें खोल के डाल दीजिएगा प्लस 11 देन स्टार्ट। ओके, ओनली कपड़ा सूखेगा, ओनली ड्राई करेगा। ओके, फिर आप चाहते हैं वॉश ओनली, इसको ध्यान से सुनना। आप पहले सैम यूज करते थे? जी जी, सैम में करते थे, आप सर्फ वाले पानी में और कपड़े वॉश कर लेते थे ताकि आपका सर्फ वाला पानी वेस्ट ना हो। ठीक है जी, ये वही है, वाटर यूज ऑप्शन कहते हैं इसे, वॉश ओनली को। ओके, मान लो मैंने आपको बताया 25 कपड़े एक बारी में, अब आपके 50 हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका जो डिटर्जेंट वाला पानी है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए होता जी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, और ये ऑप्शन आपका मैनुअल पे चलेगा और किसी पे नहीं चलेगा। कैसे बताता हूँ, जैसे आपके 50 कपड़े हैं, आपने 25 डाल दिए पहली बार में, 25 डालने के बाद पावर ऑन किया, प्रोग्राम प्रेस कर करके हम P12 पे आ गए। यहाँ से मैनुअली वाटर लेवल हम 10 नंबर पे ले लेंगे। ओके, P12 होता है वॉश ओनली। वॉश ओनली होता है जैसे सपोज डबल क्लोथ होता है आपके, मतलब कि मैंने 25 बताए, ठीक है, आपको 50 है। ठीक है, और आप चाहते हो कि आपका जो डिटर्जेंट पानी वेस्ट ना हो। ठीक है, ये ऑप्शन मैनुअल पे चलता है। कैसे, पहले आपने 25 क्लोथ डाल दिए, खोल के पावर ऑन किया, प्रोग्राम प्रेस करके हम P12 पे आ गए वॉश ओनली पे। ठीक है जी, ये ऑप्शन मैनुअल पे चलता है जैसे मैंने बताया भी आपको। यहाँ से आप ले जाओगे 10 नंबर पे। ठीक है जी, क्योंकि अपने क्लोथ ज़्यादा है तो वेरी हाई लेवल चलेगा अपना, तो 10 मैक्सिमम लेवल है।
हीटर ऐड करना है आप यहाँ से प्लस कर सकते हो वार्म या हॉट, नहीं चाहिए आप बता दीजिए, ठीक है। अगर आप हीटर ऐड करोगे तो हीटर की टाइम प्लस हो जाएगी, आपने स्टार्ट कर लिया, ठीक है जी। डिटर्जेंट आया 2.5 में 2.5 चम्मच देखो उठाया आपने, 2.5 चम्मच आपने यहाँ डाल दिया, ठीक है सर, स्पून और खत्म। जो भी टाइमिंग डिस्प्ले पे आएगी ओनली फॉर वॉशिंग की आएगी, वॉशिंग करके मशीन रुक जाएगी, ठीक है, पानी ड्रेन नहीं करेगी। आप देखो तो 41 मिनट्स आए हुए, ठीक है, क्योंकि हमने वॉर्म ऐड कर रखा है। अब मैंने वॉर्म लेस कर दिया, सॉरी हॉट ऐड हुए, ये वॉर्म लेस कर दिया, 27 मिनट्स हो गए। वॉर्म ऐड किया 41 और हॉट ऐड किया, टाइम बढ़ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हीटर ऐड करोगे टाइमिंग प्लस हो जाती है, तो मैंने हटा दिया है तो 27 मिनट्स आ गए ओनली वॉशिंग के। 27 मिनट में मशीन वॉश करके रुक जाएगी, पानी ड्रेन नहीं करेगी। जब मशीन स्टॉप हो जाएगी आपने पावर ऑफ कर देनी है, लिड ओपन की, क्लोज निकाले, ये सेट रख दिए क्योंकि ओनली वॉश हुई, रिंस और ड्राई नहीं हुई। देन सेकेंड लोड आपने उसी पानी में डाल दिया। जब आप सेकेंड लोड डाल रहे हो तो वो आपका P1 पे चलेगा, नॉर्मल पे, डेली वॉश पे। P1 पे ही वाटर लेवल आपने दोबारा से मैक्स 10 नंबर पे डाले, देन स्टार्ट, द्वारा आपका डिटेंट शो करेगी अपने अकॉर्डिंग, हाफ चम्मच डालना है या 1 चम्मच डालना, डाल दो, नहीं डालना मत डालो। जितना पानी जो हमने पहले कपड़े निकाले हैं उनके साथ निकल गया है उतना मशीन आपसे और ले लेगी। सेकंड लोड वॉश रिंस ड्राई आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके देगा। सेकंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपने मशीन ऑफ कर देगी, लीड ओपन की, ये क्लोज निकाल के सेट कर दिए क्योंकि पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ओनली फॉर जो वॉश होते बाद अपने वो उसमें डालने हैं और प्रोग्राम 10 पे जाके रिंस और ड्राई कर देना है। इस तरह से आपका वाटर रीयूज हो जाएगा, ओके, ठीक है जी। फिर आगे एक्सप्रेस वॉश, जो थे डेली रूटीन वाले कपड़े क्लोथ, जैसे कि सर के ऑफिस की पैंट शर्ट्स या नॉर्मल घर के आपके सूट सलवार, आपने कपड़े डाले, पावर ऑन किया, P1 पे ही आपने एक्सप्रेस वॉश प्रेस किया, ठीक है, क्लोथ को लेवल सेट कर लो या स्टार्ट कर लो, मशीन को सेंस कर लेगी, वो आपके अकॉर्डिंग है, दोनों ऑप्शंस, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से लेवल सेट कर दिया स्टार्ट, सर मांगा, इसमें आपकी टाइमिंग कम हो जाएगी, इसमें हल्का हल्का वॉश रिंस ड्रायर करेगी। ज्यादा गंदे कपड़े और ज्यादा हैवी कपड़े इस ऑप्शन में वॉश में करना प्रॉपर क्लीन नहीं होंगे, ये आपके डेली रूटीन वाले कपड़े है। देखो इसका आपका 28 मिनट्स आ रहे हैं, जब 45 मिनट्स आ रहा। फिर आगे जी ड्रायर, ये ड्रायर कंट्रोलर एक तरह का, जैसे कई कपड़े होते हैं ज्यादा ड्रायर करने से खराब हो जाते हैं, तो इससे आप ड्रायर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, समझ गए, ठीक है। जब आप पावर ऑन करोगे तो यहाँ पे नॉर्मल लगाएगा, कंपलसरी बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है जी, नॉर्मल लगा लगाएगा, नॉर्मल होता है सूट सलवार पैंट शर्ट्स, इसे चेंज कर सकते हो एक्स्ट्रा जीन्स चदर वगैरह। पावर ड्राई टॉवल्स, क्योंकि टॉवल रफ एंड टफ होता है तो खराब होने डर नहीं होता, बहुत फास्ट होता है, समझ गया मैं। जेंटल होता है पार्टी वेयर कपड़े, वुलन साड़ीज वगैरह, ओके, इससे कपड़ा सूखेगा पर थोड़ा निचोड़ तो सूखेगा ताकि खराब ना हो, ओके, ठीक है जी। फिर आगे केयर मूव, केयर मूव अंदर एक सॉफ्टनर का आपने ऑप्शन देखा था ये वाला, जी जी, ठीक है जी, हाँ हाँ, ये केयर मूव ऑप्शन है, ओके। आप सॉफ्टनर उतारा से यूज करते हैं कंफर्ट वगैरह, ताकि कपड़ों का कलर फेड ना हो, कपड़े सॉफ्ट रहे, तो उसके लिए अच्छा जो जो क्या करते हैं कि सॉफ्टनर यूज करते हैं, ओके, वो यहाँ डाल देंगे, ठीक है। ये कैप है, कैप से आपने नीचे नीचे रखना है, ओके, कैप से नीचे नीचे, हाँ जी, आपने इसमें डाला सॉफ्टनर या कंफर्ट जो भी लाके, ओके, पावर ऑन किया, सारे ऑप्शन लगा लिए, ठीक है, मालूम फोन लगा लिए सारा, ओके। स्टार्ट करने से पहले आपको एक केयर मूव का बटन प्रेस करना पड़ेगा, ये लाइट जलेगी इसकी, देखिए जी जी जी, ठीक है, समझ गया। अगर आपने अंदर सॉफ्टनर डाल दिया और बाहर इस ऑप्शन में प्रेस करके स्टार्ट नहीं किया, ओके, तो सॉफ्टनर आपका अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा, ओके, ठीक है, ठीक है। सॉफ्टनर क्या होता है कि आप पावर ऑन स्टार्ट करके फिर स्टार्ट कर रहे हो उसे, तो फर्स्ट टाइम तो डिटर्जेंट से पानी लेगा, जब रिंसिंग के टाइम आएगा तब आपका सॉफ्टनर बाहर आएगा, ओके, ठीक है, उससे पहले नहीं आएगा, ठीक है। अगर अंदर डालने के बाद बटन प्रेस करके स्टार्ट करोगे तो, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा, ओके। मशीन चल रही है, चलती मशीन पे आप लीड ओपन कर दोगे मशीन स्टॉप हो जाती है, ओके। कई बार क्लोथ आपको निकालने हैं, कॉलर को पकड़ने हैं, आप कर सकते हो, जैसे लीड डाउन करोगे मशीन आगे मूव करना स्टार्ट कर देती है। मशीन चल रही है, स्पोल लाइट चलेगी, आपने सब कुछ वैसे ऑन रखना है, जब भी आपकी लाइट आएगी मशीन वहीं से स्टार्ट होगी जहां से ऑफ हुई थी, चाहे वो 1 मिनट रह गया हो चाहे 10 मिनट रह गया, ओके। मशीन चल रही है, पीछे से आपका पानी नहीं आ रहा टैप से या आउटलेट पाइप से पानी लीक हो रहा है, ओके, तो चेक द वाटर का इंडिकेटर शो कर देगी, ठीक है, लेवल चेक करने के लिए पानी आ रहा नहीं आ रहा, पानी आ रहा नहीं आ रहा, ओके, यहाँ शो कर देगी, ठीक है। अगर वोल्टेज में कोई प्रॉब्लम है अपनी, हाँ, या मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो वोल्टेज इंडिकेटर शो कर देगी, ओके, ठीक है। 2 इयर्स मशीन की वारंटी है, ऑन साइड है, हाँ जी, 2 इयर्स प्लस 8 ईयर
मोटर की है। 10 ईयर्स कह रहे थे वो, 2+8 सर, अच्छा 2+8 है, ओके ठीक है, 2+8 है, 10 ईयर्स मोटर की हो गई है। ओके प्लास्टिक पार्ट टूट फूट रस्टीड सब आपका है, कुछ भी टूटता है रस्टीड होता है वो आपको पे करना पड़ता है। ओके ऑल ओवर इलेक्ट्रिक पार्ट कंपनी की है, ठीक है 2 ईयर्स तक। ओके ठीक है, बाकी इसके अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है, एक नेट लगा हुआ अंदर। ओके जब आप वन डे के क्लोथ सारे कंप्लीट कर लोगे वॉशिंग करके, हाँ तो आप इसको प्रेस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर लिंट वगैरह आता है, ओके आप नॉर्मल टूथब्रश से साफ कर लेना, झाड़ सकते हैं, ठीक है हाँ झाड़ लीजिए, या इसको यहाँ से भी निकल जाता है करके, ओके इसको निकाल के झाड़ लीजिए या क्लीन कर लीजिए। ओके ठीक है, आपने वैसे एग्जैक्टली फिटिंग कर देनी है, वो डाल देना और सेव प्रेस कर देना अपने अंदर। ओके आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, और भी ऑप्शन दे दिए होंगे मैंने आपको। वीडियो कैसा लगा अपना फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। इसके लिए ट्रॉली और कवर जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि हैवी मशीन है जी, आपको हिलाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। जैसे सर कह रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा, जब आपके पास इंजीनियर आए तो आप उनसे व्हील ले सकते हैं, ज्यादा महंगा नहीं, सिर्फ 1400 रुपीज का है और 600 रुपए का कवर है। तो आप बेनिफिट क्या है कि आपको इजीली मूव कर सकेंगे ट्रॉली लेने से, प्लस देखा जाए जो कवर है आपकी डिवाइस की प्रोटेक्शन के लिए नेसेसरी है, बाकी आपके ऊपर है। हो सके तो ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।